जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बुलाओ जो है आंटी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पाव प्रणाशनो, सव पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मने शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, सत्संग मा बैसवानी, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की, सत्संग समझने की, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, सुचरणों में समर्पित करता हूँ, सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे है? अच्छे सूरज जी, आप सब जानते हैं आज सुबह में परम पूज्य श्री कनुदागा जी का देह विलय हुआ है, देहांत हुआ है। मालूम पड़ा, समाचार मिला, हमारे बीच नहीं रहे हैं। हाँ, तो उनके नाम पर आज शाम को कीर्तन भक्ति जो 4:30 की है, हाँ, वो रखी है। हाँ, जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद, जय सत्संग रखते हैं, चल चालू शुरू करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय आज एकदम मन बराबर। समाचार सुनते ही कैसे हो गया मेरे को? दादाजी तो उधर लॉस एंजेलिस में, अमेरिका में। हाँ, वहीं पर हो गया ना। हाँ, तो उनके बॉडी इधर आएगी इंडिया में? वो पता नहीं है, वो लोग तय करेंगे, क्योंकि उनके परिवार के सबको यहाँ आना पड़ता है ना फिर। हाँ जरूर, वो आने की सुविधा संजोग कैसा है उसके आधार पर भी तय करेंगे। तो अभी अग्नि संस्कार नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो कैसे होगा। हाँ नहीं, सुबह आज उधर दोपहर को 12 बजे हो गए थे ना उनके। लेकिन ये तो वहाँ तो अभी कोई वहां पर है नहीं ना, उनके फैमिली वाले सब लोग वहाँ नहीं है ना। हाँ वो आएंगे फिर वो तय करेंगे। हाँ ठीक, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए गंगाधरन जी, आज यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन।
जय सचिदानंद अम्मा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए। प्लीज अनम्यूट। ओके, जय सचिदानंद। जय सचिदानंद। ओके, जय सचिदानंद, प्रणाम। योर क्वेश्चन। कैसे हो दीपक भाई? सब अच्छे हैं। बोलिए, अभी सत्संग करते हैं, फिर बात करेंगे। हैं? बोलिए। भारत एसेंस विलाज। प्रश्न, कोई प्रश्न है तो पूछिए। मोनिका बहन, अनम्यूट करे। हाँ जी, बोलिए। अभी तो नहीं है क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, ज्ञान मिलने के बाद कैसी जागृति रखनी है उसके बारे में आप बोलिए, फिर कोई प्रश्न उठता है तो वो लेंगे हम। हाँ, ठीक है। और वरना तो आप कैसे जागृति रखते हैं, उपयोग का समायोजन कैसे करते हैं बताइए। ठीक है। भी जो ज्ञान मिला दादा भगवान से, तो हमको अक्रम विज्ञान प्राप्त हुआ। जो पहले जो ज्ञान था उसमें कैसा था, तो जैसे जैसे समझ में आता है उस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, और आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है उसमें। जब आत्मा प्राप्त होता है तो क्या होता है कि खुद का स्वरूप जान लिया। अब खुद का स्वरूप जो जान लिया वो कब जानते हैं, तो कि कितनी आराधना करते हैं, और आराधना करते 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 ये अपने अपना स्वरूप जानकारी में आता है, और वो स्वरूप की जानकारी दादा भगवान ने हमको थोड़े से ही समय में मतलब एक घंटे में वो चीज दे दिया, जो काफी जन्मों से अपन करते आते थे लेकिन वो चीज प्राप्त नहीं हुई थी। और ये चीज प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, तो कि मेरे को सबसे पहले जो मैं क्या मानता था कि मैं ही हिरन हूँ और ये सब मेरा है, तो मैं हिरन हूँ और ये सब मेरा है, उसके हिसाब से अहंकार और ममता खड़ी हो गई थी। और दादा भगवान के ज्ञान मिलने के बाद ये जो अहंकार है, मतलब अहंकार किसको कहते हैं, तो कि जो है नहीं उसको है कहते हैं। मतलब जो हिरन है वो टेम्पररी है, तो उसको परमानेंट समझते हैं, तो उसको अहंकार कहते हैं। तो ये जो अहंकार है और ममता, मतलब ये जो है सब मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी सब माल मिलकर सब मेरा है, तो ये मैं और मेरापन दोनों चला गया। उसके हिसाब से क्या हुआ, तो कि जहां तक अभी तक कोई भी मेरी गलतियां हो रही थी, तो वो गलतियों को मैं वो गलतियों का स्वीकार नहीं करता था। वो वैसे वो गलतियां समझ में ही नहीं आती थी। जैसे ये ज्ञान मिला तो पता चला कि ये जो गलती है, तो कैसी कैसी गलतियां अपन से होती है, और वो गलतियों होने का आधार क्या है, तो कि अहंकार। कि अहंकार के आधार से ये सब गलतियां हो रही थी, जो वो मेरे को एक एक करके दिखाई दी। लेकिन ये क्यों दिखाई दी, तो क्योंकि पहले क्या था, तो कि अहंकार और ममता के साथ में था, तो कोई भी मैं और मैं मेरा खुद का स्वरूप और जो हिरन का भाग है वो अलग नहीं हुआ था। जिस तरह से ये जो अपन कोई घर में रहते हैं, तो अपने जो पड़ोस में रहते हैं या तो अपने साथ में रहते हैं, तो उसकी गलतियां हमें कितनी दिखाई देती है, कि जो साथ में रहते हैं उसकी बहुत सारी गलतियां देखनी है, जितनी भी दिखनी है वो दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, तो कि मैं और मेरे साथ में रहने वाला मेरे को पता है अलग है, तो वो अलग होने के वजह से मेरे को जिस तरह से पड़ोसी के है या तो अपने साथ में जो रहता है उसके पर मेरी दृष्टि है, तो मेरे को उसकी सब गलतियां दिखाई दे रही है। उस तरह से मैं और मेरा स्वरूप जो अलग हुआ,
तो उसके हिसाब से जो अहंकार और ममता के हिसाब से जितनी भी गलतियां हो रही थी वो धीरे धीरे मेरे को दिखाई देने चालू हुए। और जैसे ही ये गलतियां दिखाई देने लगी तो फिर पता चला कि कितनी गलतियों के हिसाब से ये सब मेरे को दुख हो रहा था। अभी तक मेरे को जो दुख हो रहा था उसका कारण क्या लगता था कि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले लगते थे कि मेरे को ये मम्मी दुख रहे दे रहे हैं, पापा दुख रहे दे रहे हैं, धंधा करते हैं तो व्यापारी दुख दे रहे हैं। फिर मेरे को पता चला कि दुख देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर है। और वो कौन है तो कह मैं, मतलब अहंकार और ममता के हिसाब से जो क्रोध मान माया लोग खड़े हो गए हैं वो मेरे को दुख दे रहे हैं। तो ये ज्ञान मिलने से ये बहुत बड़ी चीज है समझ में आई। बहुत बढ़िया हीरेनंद जी। अभी एक सवाल आया है, तृप्ता बहन बोलिए, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मैंने मेरा प्रश्न ये है कि वो जो आता है ना वो हिंदी कैलेंडर जून 8 में, उसमें दादा ने लिखा है कि विषय ये शौक करने योग्य वस्तु नहीं है बल्कि निकाल करने योग्य वस्तु है। तो वो थोड़ा समझाएंगे विषय ये शौक करने। हाँ तो तृप्ता बहन, ये जो विषय है तो सबसे पहले ये विषय किस हिसाब से खड़ा हुआ, तो के मैं मेरा जो स्वरूप है उसको जाना नहीं मैंने। मेरा जो दरअसल स्वरूप है वो दरअसल स्वरूप क्या है, आपका दरअसल स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा हूँ। तो तृप्ता बहन, आपको अभी शुद्ध आत्मा में सुख लगता है कि तृप्ता बहन में सुख लगता है? नहीं, शुद्ध आत्मा में ही सुख लगता है। किस तरह से? तो क्योंकि जब शुद्ध आत्मा अपने आप को हम समझते हैं तो फिर ये जो संसार की जो लगाव ये सब होता है ना, तो वो एकदम शांति रहती है हर एक बात की, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। तो तृप्ता बहन कैसा है, तो कि ये जो आपको शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो हाँ जो पता चला, तो हाँ ये जो तृप्ता बहन का जो भाग है उसमें से अभी तक सुख ले रहे थे? हाँ जी, समझ में आया। तो कि ये हाँ जो तृप्ता बहन का भाग है उसमें से जो सुख ले रहे थे, और तृप्ता बहन जिसमें भी उसको सुख लगता था उसमें चले जाते थे। हाँ जी, दरअसल सुख की जानकारी नहीं थी। समझ में आया। तो ये जो तृप्ता बहन जितनी भी जगह पे सुख लेने के लिए जाते हैं, मतलब विषय में जो सुख लेने के लिए जाते हैं, तो अभी ये समझ में आई दादा भगवान से, तो के जितना भी बाहर से सुख लेते हैं, समझ में आया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है सुख। हाँ, समझ में आया। तो जो जो भी चीज डिपेंड है और डिपेंड जो चीज है उसमें से जो जो भी सुख लिया है वो कैसा होता है, तो के उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, समझ में आया। जिससे भी आपने, आपको एग्जांपल दूं कि आपने किसी से भी, आप किसी ने भी आपका काम किया, समझ में आया, तो उसको जब जरूर पड़ेगी तो आपको उसका काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब वैर बंधेगा। वैर बंधेगा, हाँ। समझ में आया कि मैंने उनका इतना सारा किया लेकिन उन्होंने ऐसा मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को जब जरूरत पड़ी तो नहीं किया। राइट राइट, समझ में आया। तो जो विषय के सुख है वो इस प्रकार के है, रीपेमेंट करने पड़ते हैं। जितनी भी डिपेंड सुख है वो सब सुख कैसे है कि रीपेमेंट करने वाले हैं, सुख है। आपने आज लिया तो कल उसको देना पड़ेगा। तो विषय मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज हो, जैसे किसी से कुछ लिया या विषय, तो बहुत हो सकता, कोई भी चीज हो सकती है।
मतलब विषय मतलब आप सब्जेक्टिव हुए, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में चले गए, आत्मा आत्मा में से बाहर गए, समझ में। और आत्मा में से बाहर जाके जितना भी आपने सुख लिया है, मतलब जो भी स्त्री पुरुष का सुख है तो उसको विषय विकार सुख कहते हैं, तो वो बाहर जाके, वो बाहर जाके आपने सुख लिया, तो आपने जितना भी सुख लिया है उसका आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कोई बैंक में से लोन लिया है और आपके पास पैसे आते हैं, तो वो आपके खुद की कमाई के है कि वापस देना पड़ेगा, वापस देने पड़ेंगे, समझ में आया। तो जितने भी, उसी तरह से जितना भी संसार में से आपने जिससे भी सुख लिया है वो सब रीपेमेंट करने पड़ते हैं, समझ में आया। तो इसके लिए दादा भगवान ने बताया कि ये शौक करने की चीज नहीं है। शौक मतलब कैसे खुश होने की, हाँ वो जो शौकिंग कहते हैं ना हिंदी में, कि शौकीन हो जाते हैं, शौक करते हैं पहले, खाने, किसी को खाने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, हाँ तो ये सब विषय ही है, ये सब विषय ही है, क्योंकि ये विषय, अच्छा तो अभी ये विषय का कैसे हो गया कि खुद का स्वरूप जाना नहीं है, उसके हिसाब से उसको खुद में से सुख आने का बंद हो गया, और जो बाहर दुख आता है, बाहर से जो उसको दुख मिलता है उसकी वजह समझ में नहीं आई है, और वो दुख की वजह समझ में नहीं आई उसको, इसके लिए वो दुख जो उसके पास आए हैं उसको वो समाधान नहीं दे पाता है, और दुख का समाधान नहीं ले पाता है उसके हिसाब से क्या होता है कि उसको बहुत ही आकुलता व्याकुलता खड़ी हो जाती है, और ये जो जितनी भी आकुलता व्याकुलता खड़ी हुई, मतलब उसको वेदना खड़ी हुई, जलन खड़ी हुई, जलन, हाँ जी, समझ में आया। तो ये जलन को, जलन कैसे हुई उसको पता नहीं है, इसके लिए खुद का स्वरूप जानने नहीं जाना, इसके लिए जलन हुई, लेकिन वो जलन को ठारने के लिए विषय में चला जाता है। समझ में आया। हाँ जी। तो ये जो चीज है, तो ये जिस तरह से आपको खाने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, तो वो जो शौक है वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, समझ में आया, कि आप घूमने गए, घूमने में कितनी भी दिक्कतें हुई आपको, तो आपको हुआ चलो कोई बात नहीं, आपको खाने का शौक है, कोई होटल में चले गए, आपके एक टेस्ट का खाना नहीं मिला तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन विषय जो स्त्री पुरुष का जो विषय है वो ऐसी चीज है कि वो आपके ऊपर हिसाब मांगेगा कि मैंने तुम्हारा इतना किया, तुमने मेरा कुछ नहीं किया, समझ में। तो इसके लिए वो जो शौक है खाने का है, घूमने फिरने का है, तो वो इतना दिक्कत करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है क्या है, तो कि ये जो विषय का है, जो शौक है, वो बहुत दिक्कत करने वाला है, और उसका शौकीन हो गया है, समझ में। एक बार के विषय में कितनी सारी हिंसा होती है उसको पता नहीं है, अच्छा समझ में। तो उसके हिसाब से ये शौक करने की चीज नहीं है, अच्छा, बल्कि निकाल करने योग्य वस्तु है। हाँ, निकाल करने योग्य वस्तु है, समझ में आया। कि जिस तरह से आप कोई जगह पे गए और जाके वापस आ गए, समझ में आया, तो ये संजोग चला गया, निकाल हो गया। हाँ, लेकिन उसमें आपने सुख मान लिया तो आप उधर चिपक गए, और फिर उसमें से आपको उसका शौक खड़ा हो जाता है, तो उसमें से वो शौकीन हो जाता है उसका, तो उसका जो रीपेमेंट आता है वो अपने दिमाग के बाहर है वो चीज। हाँ जी, इतना रीपेमेंट उसका आता है, क्योंकि एक
एक बार के विषय के हिसाब में कितनी सारी हिंसाएं हो जाती है, समझ में? तो इसके लिए दादा भगवान ने विषय के बारे में बहुत ही चेतावनी दी है, बहुत ही आपको समझाया हुआ है उसमें। अच्छा, समझ में आ गया ना तृप्ति? हाँ जी, हाँ जी आ गया, हाँ जी, थैंक यू, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हीरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। हिंदी वांदा वचका ने अज्ञान, तो वचका क्या होता है? वचका, वचका आई नो वांदा मीन्स कई आर्ग्यू करके वचमा ओपोज करे, बट वचका व्हाट इज वचका? वो जिसको ये जो वांदा वांदा उसको हिंदी में क्या कहते हैं कि वांदा है ओपोज, कोई जो व्यवहार है वो उसको सेट नहीं हुआ। समझो दो भाई है, तो एक भाई को पैसा दिया और दूसरे भाई को पैसा दिया लेकिन कम दिया, तो दूसरे भाई, एक भाई को उसका बांधा पड़ जाता है। तो ये जो बांधा पड़ गया है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन ये जो बांधा हुआ तो उसके हिसाब से वो उसके साथ ये बांधा बचका हो जाता है, तो फिर उस वो उसकी असर दिखाता है, वो इंसान जो होता है उसकी असर दिखाता है, उसको वो बांधा के हिसाब से बचका करता है, वो असर दिखाता है उसकी, वो उसकी असर दिखाएगा कि मेरे को ये आपका व्यवहार सही नहीं लगा, मेरे को आपसे प्रॉब्लम है, उसको वादा वचका कहते हैं। ऑपोजिशन था, ऑपोजिट था, वो अपन बोल के भी कर सकते हैं और नहीं बोल के भी उसका उसकी असर दिखाता है, वादा वचका उसकी असर दिखाएगा, आपके साथ बात नहीं करेगा, आप कुछ आप बुलाएंगे तो आएंगे नहीं। ओके, गुजराती में टाइड चढ़े एवं या ओके वचका એટલે વોટ ડઝ ઇટ રીઅલી મીન? આપણે બોલીએ છે ને સારું ખોટું ઊંધું સીધું, એવી ઉસ તરહ સે યે ઉલટા સુલટા ઉસ તરહ સે યે જુડા હુઆ યે શબ્દ હૈ વાદા વચકા। ઓકે એન અજ્ઞાન। હા, તો એ કવિરાજ કા જો પદ હૈ वाधाने वचकासौ अज्ञान मान्यताओ एणि उड़ावे। बरोबर, ये मेरे को मेरे स्वरूप का भान हो गया। हाँ, तो ये जो अभी तक व्यवहार व्यवहार की पकड़ थी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसा ही करना पड़े, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ये इसको सब बाधा बचका कहते हैं। तो अभी आत्मज्ञान हुआ, तो आत्मा जो समझ में आया उसके हिसाब से जो व्यवहार की पकड़ थी वो चली गई, चली गई, संभाव रहता है अब संभाव निकाल होता है। व्यवहार, पहले व्यवहार की पकड़ थी, अभी व्यवहार निकाली हो गया। पहले पकड़ में था, उसको पकड़ के रखा था, अभी निकाल करने का हो गया। बरोबर, तो अब ये सब निकाल करने का हो गया, उसके हिसाब से ये बांधा बचका सब उड़ गया, उड़ गया, क्योंकि व्यवहार की पकड़ चली गई ना, जो पकड़ चली संभाव्य निकाल होता है, व्यवहार की पकड़ से, व्यवहार की पकड़ से बाधा बचका होता है। बरोबर, पकड़ होती है उसको कि ऐसा ही होना चाहिए, इसको ऐसा ही करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इसके लिए किया। अब तो निकाली बाबत में अपने तो संभावे निकाल करना है बस, कोई आवे ऐसा आए तो संभावे निकाल करना। इम्पोर्टेंस जो व्यवहार की इम्पोर्टेंस थी, वही इम्पोर्टेंस अभी आपको आत्मा के प्रति हो गई। बरोबर, तो इम्पोर्टेंस चेंज हो गई आपकी, एटले संभाव रहता है।
जो इम्पोर्टेंस चेंज हो गई तो व्यवहार की जो पकड़ थी, पहले व्यवहार की इम्पोर्टेंस थी तो व्यवहार की पकड़ थी, अभी व्यवहार की इम्पोर्टेंस चली गई तो व्यवहार की पकड़ चली गई। बरोबर बरोबर। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। वैसे अपने को जो ये ज्ञान मिला उसके हिसाब से ये अपनी व्यवहार की पकड़ चली जाती है, लेकिन फिर भी अभी अपने जो हिसाब लेके आए हैं वो दादा भगवान ने पेंडिंग रखा है, आपकी जो ब्लंडर थी वो निकाल दी, अभी आपकी जो मिस्टेक है व्यवहार में ही है, व्यवहार की मिस्टेक है वो कैसे जाएगी, तो कि ये अपने जो स्वाध्याय सत्संग करते हैं उसके हिसाब से ये व्यवहार की जो जितनी भी गलतियां है और व्यवहार की जितनी भी गलतियां है वो क्यों खड़ी हुई है, तो कि व्यवहार में अपनों ने अभी तक ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, व्यवहार में इम्पोर्टेंस कम हो गया तो अपने आप आत्मा में इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, और आत्मा में इम्पोर्टेंस बढ़ गया तो व्यवहार की पकड़ अपने आप चली जाएगी, वादा वश का सब चला जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि दो तीन दिन से मैं सोच रही हूँ कि सामायिक करूं, तो जैसे ही सामायिक करने बैठती हूँ और थोड़ी देर में मेरे को नींद आने लग जाती है, तो कुछ होता नहीं है फिर। आप जो सामायिक करते हो तो वो कौन सा करते हो, जो आपको, आप जैन है ना? जी जी स्वामी। हाँ, तो आपको जैन धर्म में जिस तरह से बताया वो सामायिक करते हो? हाँ, सामायिक तो वैसे ही करती हूँ, लेकिन मतलब प्रतिक्रमण का मतलब वो अपने दोष देखने की ऐसी सामायिक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मतलब जो दादा भगवान ने जिस तरह से आपको बताया है तो अपना सामायिक जो है वो अलग है, समझ में आया? तो कि अपना हाँ। सामायिक कैसा है कि जिस तरह से अपन दादा भगवान का असीम जयकार वो करते हैं, तो वो जो भी स्वरूप की भक्ति है वो उसको सामायिक कहते हैं, खुद की जो भक्ति है उसको सामायिक कहते हैं, मतलब पोता खुद के स्वरूप, आपको जहां तक आपके स्वरूप का पता नहीं है वहां तक आपको जो जैन धर्म में बताया था वो सामायिक अपन करते हैं, लेकिन सही सामायिक दादा भगवान ने किस तरह से बताया, तो कि जो खुद के स्वरूप में रहते हैं, समझ में, खुद के स्वरूप में रहते हैं उसको सामायिक कहते हैं। लेकिन उसमें जैसे है ना कि अपने दोष को देखकर भी सामायिक करते हैं, जैसे सामायिक चरण विधि में विधि दी हुई है ना, तो मैं इसलिए करती हूँ ये सामायिक ताकि मैं 50 मिनट तक टिक के बैठ सकूं, नहीं तो कुछ काम आता तो मैं उठ जाती हूँ ऐसे, तो उसका आलंबन लेके मैं करती हूँ सामायिक। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें मतलब जो सामायिक में जो दोष देखती हूँ ना वो मुझे दिखे, तो वो नहीं हो रहा है, वो मतलब मुझे नींद आने लग जाती है। तो ये आपको क्यों होता है? आपका नाम क्या है? आरव। विनीता। विनीता विनीता जी। तो विनीता जी, ये कैसा है कि आप जो अभी सामायिक करते हो दोष देखने का, लेकिन ये आपको नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि ये अभी आपने या तो आपके जो दोष है, तो आप दोष किसे किसको कहते हो? आप जो गलतियां है वो किसे किसको कहते हो? जैसे मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप करूं, जैसे कभी क्रोध की सामायिक कर लूं, कभी लोभ की कर लूं, या कभी किसी व्यक्ति विशेष को सामने रखकर उसके हुए जो दोष उनकी कर लूं, ऐसे मैंने सोचा था, ऐसे करूं मैं। तो ये जो अपने दोष है, तो मैं जिस तरह से समझा हूं वो आपको बताता हूं। तो
दोष किस तरह से है, तो एक एक एकदम सामान्य भाषा में बात करूं तो के जो व्यवहार से आपको दुख होता है, जो व्यवहार से सामने वाले को दुख होता है, या तो जो व्यवहार से आपको और सामने वाले को दोनों को दुख होता है, वहां पे प्रतिक्रमण आवश्यक है। अच्छा, समझ में आया? जी जी जी। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है कि जहां पे आपको दुख हुआ है, जहां पे सामने वाले को दुख हुआ है, या तो दोनों जगह पे दुख हुआ है जहां पे, वो आपको प्रतिक्रमण करने के है जी। और वो प्रतिक्रमण आप करेंगे तो फिर आगे जाके आपको जिस तरह से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, वो सही आपको समझ में आएंगे कि कहां पे मेरे को ये क्रोध हुआ, ये क्रोध हुआ लेकिन मान की वजह से क्रोध हुआ, ये लोभ की वजह से क्रोध हुआ। समझ में आया? माया के हिसाब से क्रोध हुआ। समझ में आया? तो आपको जहां पे भी दुख हुआ है, वो किस वजह से दुख हुआ है, वो ही अपने को अभी पता नहीं है विनीता जी। तो सबसे पहले क्या करना है कि विनीता जी को जो दुख हुआ है, या तो विनीता जी से दूसरे को जो दुख हुआ है, सबसे पहले उसकी माफी मांगने की है। अभी अपन क्या करते हैं तो के अभी अपन जो बताया है कि क्रोध का प्रतिक्रमण करते हैं, मान का प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्या होगा कि आपको जो सही जगह पे आपका अतिक्रमण हुआ है, हाँ, वो कौन सी जगह है, तो के जहां पे आपको दुख होता है या तो सामने वाले को दुख होता है, वहां पे आपका अतिक्रमण है। अच्छा, जहां तक आपका दिन भर के व्यवहार में आपका जहां जहां पे भी दरअसल अतिक्रमण जहां से जहां तक समझ में नहीं आएगा, वहां तक आपको वो जगह पे आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा, नींद आ जाएगी दिन भर का। तो जैसे और आपको जब दरअसल आपको दरअसल अतिक्रमण पता चलेगा तो आपकी कितनी भी नींद आती हो वो नींद उड़ जाएगी। अच्छा, नींद उड़ जानी चाहिए, ऐसे ऐसा अतिक्रमण दिखाई देता है अपना, और अपने दिन भर के व्यवहार में इतने सारे अतिक्रमण करते हैं कि नींद नहीं आए। जी स्वामी, नींद आती हो ने तो भी चल जाए। ये जो अपन को जिस तरह से धर्म में बताया है वो तो सही है, लेकिन अभी जो दादा भगवान ने बताया है तो क्या है कि सबसे पहले खुद का स्वरूप है उसमें बैठने का है, और उसमें बैठ के जो जो भी अपने से जो जो भी गलतियां इस तरह से हुई है तो उसकी माफी मांग लेने की है, उसका प्रतिक्रमण कर लेने का है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है। समझ में आया? और आपको समझो कि बोलिए। पुराने दोष देखने की सोच रही थी मैं, जो बचपन से आज तक हुए है ना, उन दोषों को भी मैं क्लियर कर दूं। अभी जैसे डेली तो हो ही रहा है, जब से सत्संग शुरू किया है डेली का डेली हो जाता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि पुराने भी सब मैं दोष धो डालूं। तो आपने पुराने दोष धोने का मतलब कैसा है विनीता जी, के दोष कितना धोने का होता है, पीछे जो आपको दोष हो गए जो दिखाई दे वो हैं, जो दिखाई दे उनको धोने का, जहां तक आपको वो याद आते हैं और आपको असर करते हैं। अच्छा, वहीं तक उसका प्रतिक्रमण करने का है, फिर आपको याद आने बंद हो गए या तो आपको असर होने की बंद हो गई, उसके बाद वो पुराने दोष को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो माफी पूरी हो गई आपकी, मतलब उसके आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गए हैं। अच्छा, तो हाँ, और समझो उसके आलोचना प्रतिक्रमण हो गए हैं, उसकी असर चली गई है, उसके बाद आप उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते रहेंगे तो फिर नींद आ जाएगी। अच्छा अच्छा
जी स्वामी जी, अब समझ में आ गया। समझ में आ गया ने कि पुराना जो आपका व्यवहार है उसका प्रतिक्रमण कितना करने का है, कि जहां तक आपको याद आता है और असर करता है। समझ में आया? बाकी तो आपका जो दिन भर का व्यवहार है और दिन भर के व्यवहार में जहां जहां भी आपको आपको असर हुई है, आपसे सामने वाले को असर हुई है या तो दोनों को असर हुई है, तो आप ये करोगे ने विनीता जी दिन भर का? हाँ। तो इतनी जागृति बढ़ जाएगी आपकी, खाली इतना सोचोगे कि मेरे के प्राप्त मन वचन काया से आज इस जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, इतना नक्की करोगे, तो ये नक्की करने से आपकी जागृति इतनी बढ़ जाएगी कि जहां जाते भी जिसको आपसे दुख होते हैं या तो आपको दुख होता है, तुरंत दिखाई देना चालू हो जाएगा जी। तुरंत दिखाई देना चालू हो जाएगा और तुरंत उसके आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते जाएंगे जी स्वामी। समझ में आया? अब तुरंत दिखाई देना चालू हुआ और तुरंत उसके आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गए, तो आपका पूरा दिन सामायिक में जाएगा जी स्वामी जी। पूरा दिन सामायिक में जाएगा। अच्छा, बस यही तो चाहिए स्वामी जी। समझ में आया? क्योंकि ये दादा भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की अपने पर कि खुद के स्वरूप की पहचान करा दी, और पहचान कराने के हिसाब से अभी मेरे को हिरण के दोष दिखाई देते हैं, आपको विनीता जी के दोष दिखाई देंगे। सही तो बात। ये जो दोष दिखाई देते हैं तो वो सामायिक हो गई, और सिर्फ आपने दादा भगवान से प्रार्थना करी कि प्राप्त तो मन वचन काया से किसी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, ये अपनी आपकी प्रार्थना है, आपका भाव है, तो ये आपने अंदर जो भगवान दादा भगवान जो बैठे है उनकी हाजिरी में आपने ये भावना की है। तो क्या होगा कि उनकी हाजिरी में भावना करी है तो दिन भर आपको अंदर जो दादा भगवान बैठे हैं ना, बार बार दिखाई देंगे आपको ये गलती करी, यहां दुख दिया, यहां मेरे को दुख हुआ, दिखाई देना चालू हो गया। अभी बिल्कुल हो गया, दिन भर का सामयिक हो गया। सही बात, बहुत अच्छा स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आए आप? वो दुकान में है। और किसी को प्रश्न है? ओके तृप्ता बहन बोलिए। अनम्यूट। अच्छा, मेरा ये और एक था दादा भगवान का, ये है, संसार यदि रमणीय सुंदर बनाना है तो लक्ष्मी और वीर्य की कर-कसर करे। लक्ष्मी वीर्य क्या होता है कि कर-कसर करे, ये भी जून 6 का है। तो तृप्तावन कैसा है तो के अपनी ये जो अपने को जो आत्मा प्राप्त हुआ। हाँ जी। तो हाँ जी। ये जो अपना जो शील है, आपका जो चारित्र है। हाँ जी। समझ में आया? तो आपका आपका जो चारित्र है वो ये इसके आधार पर है, लक्ष्मी और वीर्य के आधार पे है आपका चारित्र। आपने ये वीर्य का मतलब क्या हुआ? एक तो लक्ष्मी तो समझ में आ गया। हाँ जी। समझ में आया? तो और वीर्य मतलब जो आपका जो विषय संबंधी व्यवहार है स्त्री पुरुष का। ओ, ओके। समझ में आया? तो ये जो अच्छा तो ये जो दो चीज है वो आपको उसमें आपने उसको नॉर्मल बना दिया, जहां पे भी जहां जरूरत है उतना ही आपने खर्चा किया। जो स्त्री पुरुष का व्यवहार और लक्ष्मी का व्यवहार, ये दो व्यवहार आपने सही तरीके से किया। ये लक्ष्मी को भी गलत जगह पे नहीं उपयोग किया
और ये जो वीर्य है उसको भी गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, समझ में आया? तो आपका जो संसार है वो संसार में आपको जो दुख होता है, जो असर होती है, आपको अभी संसार सुखरूप लगता है कि दुखरूप लगता है? अभी तो हम शुद्धात्मा में आ गए तो हमको ये सब देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी मुझे संसार दुख रूप लगता है, क्यों दुख रूप लगता है? समझ में आया क्यों? तो के जो भी मेरे सामने आता है और मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कोई भी व्यवहार करता है तो मेरे को दुख होता है। समझ में आया? हाँ जी। अभी भी अपने को संसार दुख रूप लगता है, लेकिन संसार दुख रूप होने का कारण क्या है? कि आपको संसार में भी सुख क्यों कब लगेगा? तो के संसार में भी सुखी होने के लिए दादा भगवान ने ये दो चीज बताई कि संसार में भी आपको सुखी रहने का है तो विषय और लक्ष्मी उसका जितना भी उपयोग जरूरी है उतना ही उपयोग रखो, तो आपको संसार में भी जो दुख लगता है वो दुख नहीं लगेगा, संसार में भी सुख होगा। अच्छा, समझ में? और सबको आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो दादा भगवान ने जिसको संसार में भी सुखी होने का है उसके लिए ये रास्ता बताया कि आपको संसार में रहने का है और संसार में सुख चाहिए तो ये दो चीज का ध्यान रखना। अच्छा अच्छा। जिस तरह से ये पैसे है तो जिस तरह से कोई भी देश है उसकी इकोनॉमी है तो उसके पास कितने पैसे है उसके हिसाब से है ना, समझ में आया? हाँ, तो अपना घर उसी तरह से अपने घर में भी अपने पास बैलेंस है, उसी तरह से ये अपना शरीर है, समझ में आया? उसमें भी जो बैलेंस चाहिए वो बैलेंस कब रहेगा, अपना शरीर का और अपने घर का? तो ये लक्ष्मी अपना घर का बैलेंस करेगी और ये स्त्री पुरुष का जो व्यवहार विषय है वो अपना शरीर का बैलेंस करेगा। तो आपका घर के व्यवहार का बैलेंस हो गया और शरीर के व्यवहार का बैलेंस हो गया तो फिर आपको संसार में सुख मिलेगा। हाँ, ये वो जो आता है ना डेली कैलेंडर जो दादा भगवान का आता है ना, तो उसमें वो हमको समझ नहीं आता, इसलिए हमने आपसे ये प्रश्न किया समझने के लिए। अभी समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी। और मेरे को एक आप उसे और पूछना था कि ये जो हमारे बच्चे हैं अभी बड़े हैं ग्रोन अप है सब करते हैं, पर उनको ये ज्ञान है बेसिक सब मालूम है नौकल में दादा, पर वो दादा भगवान का असीम जय जयकार उनको हो ऐसे ना वो गाते नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि ना हमारे दो लड़के हैं तो आपको कुछ भी कष्ट आता है, जॉब में कष्ट आता है, कुछ है तो वो ऐसे कुछ तो दादा को रख के तो आप असीम जय जयकार गाओ, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पैदा हुए हैं अमेरिका में, यू नो। तो मैं बोलती हूँ कि हम उनके लिए कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आप प्रार्थना भी कर सकते हो, लेकिन उनको खुद का जो करने का है तो हाँ जी वो खुद करेंगे तो ही उनको फायदा होगा। तो कभी बोलने की दिक्कत आती है तो उसको इंग्लिश में लिख के दे देने का। और दूसरी मेन चीज क्या है कि उसको चाहिए, उसको प्रॉब्लम है और आपको पूछते है क्या करने का तो ही बताने का। अच्छा, सामने से मत देना। अच्छा, वो कहे कि आज अभी जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कहे कि अभी दोस्तों के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उसको लगे कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो देने का, समझ में आया? आप बिना बताए देंगे तो उसकी वैल्यू भी उसको नहीं रहेगी और वो करेंगे भी नहीं और फिर आपको दुख होगा कि इतना अच्छी चीज है और ये लोग करते नहीं है। उसका टाइम आएगा। आप दादा आप जो करने का आप बताए ना तो आपको आप क्या कर सकते हो तो कि दादा को प्रार्थना करने की। हाँ जी, समझ में आया। और आपको ये जो सब मिले हैं तो आपके ऋणानुबंध है, समझ में आया? आपको हाँ तो क्या करने का है
कि जो आपको ऋणाणु बन के हिसाब से आपके पास आए हैं उसका उसके साथ आपका कोई हिसाब बाकी नहीं रह जाता है, इतना ही देखने का है। बच्चों के साथ भी? बच्चों के साथ, सबके साथ। तो कि कैसा है तृप्ता बहन जी के आप दुकान में बैठे हो, रम्या ग्राहक आता है और ग्राहक सब लिस्ट लेके आता है, ये चाहिए वो चाहिए, समझ में आया, तो सब कुछ अपने लिस्ट बना के उसको दे देते हैं, फिर एक एक करके उसको चेक कर लेते हैं, फिर एक एक करके चेक करके उसका टोटल कर लेते हैं और टोटल करके उसको देते हैं। वो उसको देने के बाद वो पैसा देता है, ज्यादा देता है तो उसका उसके बाद उसको पैसा अपन वापस देते हैं। तो ये हिसाब क्लियर हो गया है? हाँ जी। तो जिस तरह से वो ग्राहक आया था और वो ग्राहक के साथ जिस तरह से अपने व्यवहार किया वही व्यवहार अपने को घर में करने का है। अच्छा, ये ग्राहक और व्यापारी का संबंध है और कोई संबंध है नहीं, समझ में आया? तो अपने को संबंध क्यों लगता है? तो के ममता के हिसाब से, ममता के हिसाब से संबंध लगता है, लेकिन ये दरअसल नहीं है। वो आए हैं तो आपको उसको देने का जो बाकी था वो लेने के लिए आपके पास आए हैं। अभी आपने सब कुछ दे दिया तो ग्राहक ने सब कुछ ले लिया, पैसे का व्यवहार पूरा हो गया, ग्राहक कितनी देर खड़ा रहेगा? चला जाएगा, इतना ही है, घर में इतना ही है। सच्ची। फिर ग्राहक आके आपको बोलेगा कि ये दादा भगवान का फोटो है तो ये कौन है, तो फिर आप जवाब देंगे तो चलेगा, समझ में? उस तरह से बच्चे पूछेंगे कि दादा भगवान कौन है, आप ये क्यों करते हो, आपको क्या फायदा हुआ, तो बताने का। समझ में? सामने से कुछ भी किसी के पास भी आप देखो, आपके पास भी सामने से कोई चीज लेके आएगा आपको कितना अच्छा लगेगा? तो कि नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को अभी चाहिए नहीं, नहीं है, राइट। उसको जो चाहिए वो देने का है, वो आपसे जो लेने के लिए आया है आपके घर में वो उसको चाहिए, राइट, वो देने का है आपको। अगर वो आपने सही तरीके से उसको दे दिया, संभव से निपटारा हो गया, तो वो पूछेगा कि दादा भगवान कौन है, क्यों, तो उसको फिर डाउट पड़ेगा कि ये मम्मी में इतना चेंज क्यों आ गया। उसको डाउट पड़ना चाहिए, अगर उसको डाउट पड़ेगा तो फिर आपको दादा के लिए पूछेगा कि दादा भगवान कौन है, आप क्या करते हो, इतना खुश कैसे रहते हो। नहीं, उन्होंने भी ज्ञान लिया है, बच्चों ने भी ज्ञान लिया है दादा से। सही बात है, ज्ञान लिया है, बराबर है, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो हाँ जी तब से है ये सब। हाँ जी, अलग से कुछ करने के लिए जाने का नहीं है, करने है। अच्छा, वो जो चीज लेने के लिए आए है वो हिसाब से आपके पास लेने के लिए आए है, इतना ही है। जिस तरह से कस्टमर दुकान पे चढ़ता है उतना ही है ये। हाँ जी। नहीं, पर जब उसको जॉब पे प्रॉब्लम है, कुछ मेरे को बोलता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम दादा का ध्यान करो, क्योंकि वो पढ़ता है ना, सब इंग्लिश में है उसके पास। हाँ, तो वो नौकल में सब वो पढ़ते हैं बच्चे, अति मंत्र बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि तुम दादा भगवान का बैठ के ध्यान करके अपना प्रॉब्लम दादा भगवान को बोल सकते हो, असीम जय जयकार गाओ, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो करना चाहिए ना। हाँ। तो शुरू करेंगे तो हाँ। तो उससे नहीं होता है। हाँ। तो मैं बोलती हूँ मैं करूँ उसके लिए। नहीं, वो होगा, उसको करने का होगा, तो कोई भी रिश्ते करेगा। अच्छा, वो ही मैं आपको पूछना चाहती हूँ। वो कोई भी रिश्ते, आपको जिस तरह से कोई चीज चाहिए तो आप 10 फोन करेंगे ना, उसकी जरूरत है तो आप वो चीज, इंडिया में भी होगी, अमेरिका में नहीं होगी, और इंडिया में भी होगी तो इंडिया से भी मंगाएंगे वो चीज। राइट, ऐसी ऐसा है तृप्ता में। हाँ। जिसको जो चीज चाहिए
तो वो चीज कहीं से भी वो लेके ही रहेगा। तुप्ता बेन हाँ जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मोनिका बेन, सूर्या, जय सच्चिदानंद, दीपिका नंदी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं जैसे नव कलम पढ़ते हैं तो मतलब अपने मतलब पढ़ने से पहले कुछ बोलना चाहिए, मतलब वो अपने को उतरती नहीं है अंदर, क्या पढ़ते हैं तो मतलब अंदर बैठता नहीं है, क्या बैठता नहीं है? नव कलम पढ़ते हैं तो ऐसा मतलब लगता नहीं है कि अपन मतलब अपने अंदर उतर रही है, मतलब कुछ नहीं। ये जो चीज है ना, इसमें जैसे आपने पहली कलम पढ़ी, पहली कलम क्या है? पहली कलम हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को तनिक भी ठेस न पहुंचे, न मैं ऐसा करने की किसी को प्रेरणा दूं या न मैं ऐसा करने वाले का अनुमोदन करूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दो, मुझसे किसी भी आत्मा की अहम को तनिक भी ठेस न पहुंचे, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद व्यवहार, शादवाद मनन करने की मुझे परम शक्ति। तो ये जो है वो आपको अंदर उतारने का नहीं है, सिर्फ दादा भगवान से प्रार्थना करने की भाव करने का है। अच्छा, तो पहले क्या करना चाहिए? बोलना है आपको, उतारना नहीं है। ये बात खास समझ लेना, ये जो नव कलमे है वो सिर्फ भावना के लिए है, इसको करने के लिए है ही नहीं। अच्छा, आपने भावना कर ली समझ में, और हाँ। दादा भगवान से भाव कर किया है, दादा भगवान से मांगा है, मतलब दादा भगवान कौन? तो कि आपके अंदर हाँ। आपका जो दरअसल स्वरूप है वो दादा भगवान है, वो परमात्मा स्वरूप है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। अच्छा, समझ में आया? किसी हाँ। को चोर बनना है तो वो चोर बनना मांगेगा तो दूसरे भाव में वो चोर बन जाएगा। अच्छा। समझ में आया? किसी हाँ। को शाहूकार बनना है, ऐसी चीज मांगेगा तो वो ऐसा बन जाएगा। तो दादा भगवान ने क्या मांगना चाहिए, मनुष्य भाव मिला है तो सही में भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या भावना करनी चाहिए, वो ये नौ कलमों में दिखाया है। अच्छा, नहीं, पढ़ने से पहले अपने को दादा भगवान को याद करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो भावना अंदर लिखा है वो हाँ। पढ़ने का है। अच्छा, और भाव करने का है। अच्छा, ठीक है समझ में है? हाँ। तो ये सिर्फ भाव करने का है, अंदर उतारने का नहीं है। अपने को क्या होता है कि मैं इतना करती हूँ या हाँ। मैं करती हूँ फिर भी ऐसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, अंदर उतरता नहीं है, ये सब चीज नहीं करने की। अच्छा, सिर्फ भाव करने का है। अच्छा अच्छा, समझ में हाँ। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। कुछ पूछना हो तो पूछो इसमें। नहीं नहीं, बस क्लियर हो गया। जैसे अपन सामायिक करते हैं तो मतलब सामायिक में क्या बोलना चाहिए अगर सामायिक करते हैं तो? आप कौन सा सामायिक करते हैं? मैं तो जो दादा भगवान का है बस, सिंपल सा। जी, जो दादा भगवान की सामायिक है वो ही सामायिक करते हैं। क्या करते हैं उसमें? दादा भगवान असीम जय जयकार। तो इसमें इसमें क्या होता है आपको? तो मतलब क्या कैसे करना चाहिए, बस यही बोलते हैं बस उसमें कुछ। तो ये दादा भगवान का, दादा भगवान ना असीम जय जयकार है, ये जो है वो आपका जो खुद का स्वरूप है उसकी भक्ति है। हाँ। तो वो कई रीत है, कई प्रकार का है, जिस तरह जैसे आपने दादा भगवान का, दादा भगवान असीम जयकार हो वो लिखा है, उसको आप पढ़ते रहते हो तो दूसरी कोई जगह पे आपका चित्त नहीं जाता है। चित्त तो चले जाता है, तो ये आपका चित्त भले चले जाता है लेकिन आपको पता चल जाता है ना कि चित्त चला गया। हाँ, ये समझ में आपको हाँ। पता चलता है कि चित्त चला गया तो वो वापस ला, ला ले आने का और उसको हाँ। पढ़ने का। कई बार दादा भगवान का फोटो है तो फोटो देख के आप उसका निधि ध्यान करके भी कर सकते हैं। अच्छा। समझ में आया? खुद की भजना करते हैं वो भाव से भी आप दादा भगवान ना असीम जयकार बोल सकते हैं। आपको जो रीत अनुकूल आती है
वो रीत आपको पकड़ के चलने का, मतलब वो रीत से आपको उसका उपयोग सेटिंग करने का। कैसे? मतलब जिस तरह से आपको ये लिखा हुआ आप पढ़ते हो, दादा भगवान असमीकार हो बोलते हैं मुंह से, ये आपको अनुकूल, ये आपको अनुकूल आता है तो उस तरह से करने का। मैं मेरी बात करूं तो मैं क्या करता हूँ, तो दादा भगवान का फोटो है या तो दादा भगवान है तो उनको उनका ध्यान रखता हूँ और खुद का स्वरूप की भक्ति करता हूँ, मैं मेरे खुद के स्वरूप की भक्ति करता हूँ उस तरह से करता हूँ। समझ में आया? समझो इसमें ध्यान नहीं रहता है तो आपको आपका चित एक जगह पे रहे, उसके लिए दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो वो जिस तरह से लिखा है उसको पढ़ते रहने का, अंदर आंखें बंद करके भी इस तरह से, ठीक है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो जो स्क्रीन पे आया ना। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, समझ आया। हाँ। इस तरह से ये बोले आपकी आंखें बंद है लेकिन आपको आंखें बंद होने के बाद भी आपको पढ़ने में आ जाएगा। सही बात है। हाँ सही सही ठीक है ना। हाँ। तो ये आपके आपका जो चित है उसको एक ही जगह पे रहे दूसरी जगह पे ना जाए उसका ये आपका प्रयोग परफेक्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा ठीक है समझ समझ में आया। नीलम बहन अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ मेरी बनती नहीं है, हमारी बहुत अनबन और लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करें हम? आपको वो आपसे छोटा है वो? हाँ मैं छोटा भाई 15 साल का। और आप उससे बड़े हो? हाँ। तो उसके साथ बहुत लगाव है आपको? पर वो ऐसे लड़ाई बहुत होता है, इसके लिए होता है। बड़ी बात पे जिसके साथ बहुत लगाव होता है ना उसके साथ ही ऐसा होता है, वो बैकवर्ड्स भी बोलते हैं। समझ में आया? और हाँ। और आप जो उसको कहते हो ना कोई भी काम करने का तो वो करता है कि नहीं करता है? नहीं 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 करता है, इसके लिए गुस्सा आ जाता है ना। हाँ वो बात कोई बात सुनता नहीं है और फिर छोटी बात पे लड़ाई करता है। आपको ये लगता है कि ये मेरी बात सुने तो और समझे और ऐसा करे तो अच्छा रहेगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आपको ऐसा लगता है। हाँ। समझा? लेकिन कैसा है तो कि आपसे छोटा है तो उसको आप जिस रीत से समझाते हो ना उसके बदले थोड़ा रीत चेंज करने का, उसको पूछने का उसका नाम क्या है? शुभ। शुभ तो उसको पूछने का कि शुभ मेरे को ये जो आप करते हो उसमें मेरे को ऐसा लगता है तो आप अपन ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो उसके फायदे दिखाने के, देख मैंने ये किया नहीं तो मेरे को ये फायदा हुआ, मैंने ये किया नहीं तो मेरे को ये फायदा हुआ, उससे करवाने का नहीं उसको दिखाने का, फायदे दिखाने के कि देखो मैंने किया तो मेरे को फायदा हुआ, मैंने ये किया तो मेरे को ये लाभ हुआ। समझ में आया? तो उसको कोई भी इंसान है कोई भी बच्चा है उसको फायदा आप दिखाओगे कि ये करने से फायदा क्या है लाभ क्या है प्रॉब्लम कैसे नहीं होगा वो समझाओगे तो उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी उसको भी खुद को दिखेगा, उसको खुद को दिखना चाहिए, उस जो आप समझाना चाहते हो वो फायदा उसको दिखना चाहिए, उसको विजुलाइज करने का करवाने का कि देखो ऐसा होगा। आप वो नहीं कर पाते हो इसके लिए आप क्या करते हो कि सीधा करवाने के लिए जाते हो तो करेगा नहीं जी। क्यों नहीं करेगा? तो कि उसके अंदर क्वेश्चन है कि मेरे को ये बहन कहती है लेकिन मेरे को योग क्यों करने का, मेरे को तो ये अच्छा लगता है तो मैं यही करूंगा। तो ये जो उसको अच्छा लगता है वो किस तरह से नुकसानकारक है तो वो उसको दिखाना पड़ेगा कि ये करेगा तो तेरे को ये नुकसान होगा, मेरे को दिक्कत नहीं है तू कर,
लेकिन नुकसान होगा तेरे को, मेरे को ऐसा नुकसान हुआ है, करवाने के लिए नहीं जाने का, उसको नुकसान दिखा देने का और करने से फायदा क्या है वो फायदा दिखा देने का। और फायदा और नुकसान जब उसको दिखाई देगा क्या सही में ये नुकसान है और मेरे को ये सब प्रॉब्लम हुए है, तो उसको प्रॉब्लम भी दिखाने के लिए, तूने पहले ऐसा किया था तो क्या हुआ था, पूछने का उसको, उसको ऐसा नहीं कहने का तूने ऐसा किया था तो तेरे को ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कहने का, उसको पूछने का कि तूने ऐसा किया था तो क्या हुआ था, तो खुद बोलेगा कि मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। समझ में आया? तो उसको कहने का, देखो मेरे को, मैं बताऊं आपको क्या करने का, और वो कहे कि हाँ बताओ, तो फिर बताने का, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसको फायदा और नुकसान दिखाई देगा, वो दिखाना पड़ता है। समझ में आप पिक्चर कोई टीवी देखते हो तो उसके अंदर एडवर्टाइज देखते हो कि नहीं? हाँ। तो एडवर्टाइज में आपको जबरदस्ती कोई चीज देते हैं कि भाई ये टूथपेस्ट ले ही लो आप, इसको लेना ही पड़ेगा, उसके फायदे और नुकसान दिखाते हैं ना? हाँ। समझ में आप? और जबरदस्ती करने के लिए जाएंगे तो अपन लेंगे? नहीं। ऐसा है, समझ में आया? जी, नहीं करने का, उसको समझाने का, ठीक है? जय सचिदानंद। स्वामी जी, बहुत छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, मतलब अब बड़े हो चुके हैं लेकिन इतनी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाए तो उसको अभी मैंने समझाया ना, तो उसको पता है कि इतना झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा होना नहीं चाहिए, उसको वो पता है, तो फिर वो करेगी ऐसा। समझ में आया? उसको क्या है कि ये मेरा भाई है तो उसको उससे बहुत ज्यादा लगाव है, बराबर, और लगाव के हिसाब से वो आगे कुछ समझा नहीं पाती है, उसको फर्जियत रूप से करवाना चाहती है कि तू ऐसा ही कर, वो थोड़ा जिद्दी हो गया है, मतलब सब जिद पूरी करवाता है वो कैसे भी। हाँ, तो ये जिद्दी हो जाता है, कोई भी जिद्दी हो जाएगा, अगर किसी को भी आप फर्जियत कुछ करवाने के लिए जाओगे तो कोई भी बच्चा है कि बड़ा है वो अपने आप जिद्दी बन जाएगा, होता नहीं है, अपने व्यवहार के हिसाब से वो बन जाता है ऐसा। पहले स्वामी जी बोलते थे तो क्या वो रोता था तो एकदम सांस रोक लेता था, ब्लूइश हो जाता था, तो सब उसकी बोलते उसको मतलब परेशान नहीं करने का, वो जो बोले जो कर लेने का, तो ऐसा कर करके फिर वो अब जिद हो गई, उसको इतनी जिद हो गई सब चीज वो कैसे भी करके अपनी मनवाता है। बराबर है, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि वो उसको ऐसा नहीं कहने का कि ये मत कर, उसको कहने का हाँ करते है, आप जो बोलते हैं वही करते हैं, लेकिन ये करने से ऐसा होगा, चलेगा आपको, उसको क्वेश्चन करने का, फायदे और नुकसान के क्वेश्चन करने के, आप करोगे तो उसको सब नुकसान दिखाना पड़ता है। समझ में? और फायदे भी दिखाने पड़ते हैं, और फायदे और नुकसान दिखाए बिना आप कहोगे नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये बुरा है, ये नहीं करने का, ये करने का, तो जिद्दी हो जाएगा, ये क्यों मेरे को मना करते हो आप, अब मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे को ये चाहिए ही। बराबर, समझ में आया? बराबर समझ में, तो ये अपने व्यवहार के हिसाब से वो जिद्दी हो गया है, क्योंकि अपनों ने जो व्यवहार किया है वो डायरेक्ट व्यवहार किया है, ये करने का और नहीं करने का व्यवहार किया है। बराबर, समझ में? जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उसको अपन खुला जो वायर है उसको पकड़ लेंगे तो क्या होगा? शॉक लगेगा, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। समझ में? तो उसको पकड़ने का है तो किस तरह से पकड़ने का, तो के लकड़ी लेके पकड़ने का उसको। बराबर, अगर लकड़ी लेके पकड़ेंगे तो शॉर्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ और आपका काम भी हो जाएगा। बराबर, अपने व्यवहार से सब, जो कहते हैं ना कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे ऐसे
करते हैं, वैसा करते हैं, तो आप कहीं भी आप अंदर जाके देखोगे ना तो अपने व्यवहार से अपना ही व्यवहार कहीं ना कहीं गलत है, उसके हिसाब से ये सब प्रॉब्लम है। बराबर स्वामी जी, समझ में आया ना? बराबर। अभी जैसे क्या सब उसके क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं, तो उनको फोन वगैरह भी देना जरूरी हो जाता है, तो फिर क्या है कि क्लासेस पूरी होने के बाद फिर पूरा दिन फोन वो अपने हिसाब से गेम वगैरह खेलने में ही लगा रहता है। बराबर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेंथ बोर्ड है पर उसको ये पूछने का कि ये आप करोगे तो आपको आगे जाके ये चीज कितनी काम में लगेगी, और आप जो पढ़ाई में करते हो वो कितना काम लगेगा, उसको पूछने का, कहने का नहीं। आपके लिए गलत है ऐसा नहीं कहने का, ये आपके लिए सही है ऐसा भी नहीं कहने का। बराबर। उसको पूछना, वो जवाब देगा, और जब वो जवाब देगा ना तो वो अपने आप छोड़ देगा चीज। बराबर। आपको जवाब नहीं देने का है, आपको क्वेश्चन करना। बराबर। अभी जो बच्चे है वो बहुत इंटेलिजेंट है। बराबर। आप जवाब दोगे तो वो उसको क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं करने का। अगर आप क्वेश्चन करोगे, आप जवाब नहीं दोगे, आप क्वेश्चन करोगे तो वो खुद जवाब देगा। बराबर। और जब वो खुद जवाब देगा तो वो अपने दिमाग से सोच के जवाब देगा, और उसका निर्णय निश्चय हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यहाँ हमारा समय हो चुका है। निलंबन आप रुकनाथ त्रिमंत्र हिरेनानंद बुलाते हैं, आप साथ साथ बोल। हाँ जी स्वामी जी। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव पाव पणासनो। सव पाव पणासनो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। पढ़मं हवई मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।